बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम सादिया समरीन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरएससी साहिवाल चैप्टर, आल्सो मेंबर ऑफ इंस्पायरेशनल टीम एंड ग्राउंड वॉरियर्स। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा और हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सेशन का बकायदा आगाज करने से पहले मैं आप सबसे इंस्पायरेशनल टीम का तारुफ करवाना चाहूंगी। इंस्पायरेशनल टीम बेसिकली इसका पर्पस आरएससी के मेंबर्स को स्किलफुल बनाना है और इनमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ सेशंस और वेबिनार अरेंज करवाना है। इंस्पायरेशनल टीम वक्तन फवक्तन अपने मेंबर्स के लिए मुख्तलिफ वेबिनार और सेशन कंडक्ट करवाती है ताकि वो उनमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट को मजीद इन्हेंस कर सके और उनकी स्किल्स को पॉलिश कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इंस्पायरेशनल टीम में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा बोलना चाहते हैं, तो उनके लिए सेशंस और वेबिनार कंडक्ट करवाए जाते हैं जहां वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बोल सकें। इसके अलावा अगर कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो मुख्तलिफ स्किल्स जानते हैं और वो आगे दूसरे मेंबर्स को स्किल्स सिखा सकते हैं, इसके अलावा वो इन स्किल्स को सिखाकर अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमारे गेस्ट स्पीकर सर हुज़ैफ़ा खान, जो कि एक कोर्स इंस्ट्रक्टर, फ्रीलांसर, ग्राफिक डिज़ाइनर और एक बहुत अच्छे वेब डेवलपर और ऐप डेवलपर भी हैं। इसके साथ साथ सर हुज़ैफ़ा खान हमारी इंस्पायरेशनल टीम के लीडर भी हैं। आज के सेशन में हमें यूट्यूब के बारे में गाइड करेंगे कि किस तरह यूट्यूब से हम ना सिर्फ इंटरटेनमेंट बल्कि हम इसको अपने अर्निंग सोर्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और किस तरह हम इस पर अकाउंट बनाकर अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से फायदा उठाते हुए यूट्यूब के इस्तेमाल से अर्न कर सकते हैं। तो ओवर टू यू सर हुज़ैफ़ा। थैंक यू मैम सादिया, आपने बहुत अच्छे होस्टिंग की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आवाज़ मेरी क्लियर है? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। ओके, तो आज का जैसे कि माय सेल्फ हुज़ैफ़ा खान एंड लीडर ऑफ इंस्पायरेशन टीम आरएससी साहिवाल चैप्टर। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूट्यूब पर है कि यूट्यूब पर हम कोई भी बिगनर आता है तो वो किस तरह अपना चैनल क्रिएट कर सकता है, उसको क्या सेटिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किस तरह वो अपनी यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक यूट्यूब चैनल ओपन करना चाह रहे हैं और उसको लेकर उसकी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आज का सेक्शन बेसिकली उनको है और उन सबको है जो कुछ ना कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ स्किल सीखना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ अपना फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो चलते हैं सेक्शन की तरफ। सबसे पहले तो आपने चैट सेक्शन में एक्टिव रहना है, कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे चैट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरा कोई क्वेश्चन होगा आपसे तो वो भी आपने चैट बॉक्स के अंदर ही देना है, माइक अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? एट द लास्ट हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तब आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, ड्यूरिंग सेशन आपने माइक अनम्यूट नहीं करना। जी तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी, चैट बॉक्स में बता दें। यस सर, हो रही है। ओके, तो सबसे पहले जब आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं या एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आप एक चैनल के लिए एक जीमेल चाहिए होती है, ठीक है, जिसको हम अपने जीमेल यूज़ करते हैं। लेकिन आपने मैं आपको ये प्रेफरेंस दूंगा कि आपने जब भी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो उसके लिए अपने एक लहदा जीमेल क्रिएट करनी है, अपनी बेसिक यूज़ वाली, या वही जीमेल जो आप यूनिवर्सिटी वगैरह में यूज़ कर रहे हैं वो नहीं करनी, या कोई ऐसी जीमेल होती है
जिसको जिसको हमें क्रिएट तो किया होता है वो हमारे पास लॉगिन भी होती है, लेकिन हमें उसका पासवर्ड वगैरह नहीं याद रहता। तो आपने ऐसे जीमेल को यूज़ नहीं करना, कोशिश करें कि नई जीमेल ही क्रिएट कर दें। अब जीमेल का तो आई थिंक सबको पता होगा किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह नहीं, तो उसका भी एक मैं बेसिक सा आपको समझा देता हूँ। ओके, तो बेसिकली आपको जीमेल का तो पता होगा फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे लास्ट नेम, यूजर नेम। यूजर नेम के अंदर आप अपने अल्फाबेट्स के अलावा डिजिट्स भी लिख सकते हैं, पासवर्ड, और इस तरह करके आपने भी जीमेल क्रिएट करनी होती है। आई होप कि सबको जीमेल क्रिएट करना आती होगी। ओके, तो अब हम चलते हैं। अगर आपके पास जीमेल है और आप अपने यूट्यूब चैनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप ये करना, अपने यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन कर लेना है तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये काफ़ी लिस्ट आ जाएगी ऑप्शंस की। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्रिएट आ चैनल पे क्लिक कर देना है। ये मैं एक अजाफी जीमेल यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी समझाने और बताने के लिए, ठीक है। अब उसने मुझे पूछा है कि आपने चैनल का नेम क्या रखना है, तो यही नेम रखना है जो वो शो करवा रहा है जीमेल वाला। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल चैनल का नेम Zafa123 रख रहा हूँ। यहाँ पर आप अपलोड अ पिक्चर, यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो वो किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी इमेज वगैरह, अब यहाँ पर लोगों की इमेजेस आ गई हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है और इसको मैं एज अ लोगो यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा और किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। कस्टमाइज करने के बाद मैं इसको एज अ लोगो यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपने आप को ब्रांड बनाएं, आप अपनी ही जो है या अपना ही कस्टमाइज किया हुआ लोगो या खुद का क्रिएट किया हुआ लोगो ही यहाँ पर लगाएं। इसके अलावा कैनवा का यूज कर सकते हैं आप। कैनवा का यूज करते हुए आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। आप पिक्स आर्ट मोबाइल में अगर आप करना चाह रहे हैं तो मोबाइल में पिक्स आर्ट एप्लीकेशन ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसको कस्टमाइज करके लोगोज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक रैंडम पिक कह लें कि हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पिक पड़ी है तो इसको ही मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इसको डन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने पिक और नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना। ओके, तो जैसे ही आप क्रिएट चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो सब नेम जो भी आपने कर लिया, लोगो फाइंडिंग आप गूगल पे जाके लोगो फाइंड कर सकते हैं। लोगो का जो साइज होता है वो 500 × 500 इस तरह करके होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने पिक लगा ली, आप लोगो वगैरह जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यूट्यूब स्टूडियो जो है, क्रिएटर स्टूडियो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आ जाएगा वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले जो आपको चैनल कस्टमाइजेशन में देखने को चीज मिल रही है वो है लेआउट, ठीक है। लेआउट के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है चैनल ट्रेलर, अगर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल इंट्रो बनाया हुआ है जिसको हम 10 सेकंड का 15 सेकंड का एक इंट्रो वीडियो भी कहते हैं, अगर वो आपने बनाई हुई है वो आप यहाँ पर सिंपल इस पे ऐड पे क्लिक करके अपनी जो भी वीडियो आप ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर वीडियोस में आप
आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं आपके, लगातार आपके व्यूज देखते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं, वो ऐड करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐड करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आता है मेन काम। सबसे पहले तो आपको दो सेक्शन देखने को मिलते हैं, शॉर्ट वीडियोज और अपलोड। तो आपने कोशिश करनी यहाँ पे तीन चार सेक्शन बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉपुलर अपलोड्स का एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, जो पॉपुलर अपलोड्स वगैरह होंगी मैं उसमें रखूंगा। यहाँ पे लाइव नाउ का एक ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे फ्यूचर चैनल, यानी कि आप किसी के दूसरे को चैनल को या आपके दो चैनल को आप उसको भी यहाँ पे फीचर कर सकते हो। तो आप उसको भी यहाँ पे रखना चाहो तो यहाँ पर एड एटल वगैरह करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए लेआउट बेसिस अगर आपने इसमें कस्टमाइजेशन करनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग पर आने के बाद यहाँ पे पिक्चर और बैनर इमेज। तो बैनर इमेज क्या होता है, जो आपका मेन यहाँ पे चैनल का इमेज होता है। ठीक है, इसको भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कैनवा पर जाके कर सकते हैं। कैनवा में बहुत ही जो यूट्यूब के बैनर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कैनवा ओपन करके। कैनवा पे सिर्फ आपको कस्टमाइजेशन करनी होती है और आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्स आप यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट प्रोफेशनल टूल्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं यूट्यूब के बैनर के लिए, तो हम सिंपल यहाँ पे सर्च कर देते हैं यूट्यूब चैनल आर्ट। ठीक है, इसको ही बैनर कहते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो अब यहाँ पर देखें आपको काफ़ी जो है YouTube के चैनल आर्ट के हवाले से मिल जाएंगे। आप इनको किसी को भी कस्टमाइज कर सकते हो और उसको अपने YouTube चैनल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई पहले का पड़ा हुआ है तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक पड़ा हुआ है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। जिस तरह आप यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ही मैंने इसको अपलोड किया तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ हमारा बैनर चेंज हो गया। बैनर का भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से बनेगा, वहाँ से बना सकते हैं। फोटोशॉप, जिस भी सॉफ्टवेयर से चाहें, जिस भी मोबाइल एप्लीकेशन से चाहें, अपना वो बैनर क्रिएट कर सकते हैं, जो आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाना है या क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ से आप इसको रिमूव और चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। नीचे आते हैं वाटरमार्क की तरफ। अब आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि हम यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी यूट्यूब वीडियोस के साथ एक साइड पर उनका वाटरमार्क भी आ रहा होता है, और इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है कि कोई भी व्यूअर जो है, न्यू व्यूअर आपकी वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए भी आसानी होती है, और वो यहाँ पे वन टच में आपके जो स्क्रीन पर वाटरमार्क आ रहा है उस पर क्लिक करके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अपना एक लोगो जो है, जो कोई भी पिक्चर एज अ आपने वाटरमार्क यूज करनी है, तो उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं वही पिक यूज करता हूँ जो मैंने अपने लोगो पे लगाई है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इंटीरियर विंडो वीडियो करेंगे। अगर आप इसको कस्टम करते हैं तो यहाँ पे आपका टाइम होगा कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपका वाटरमार्क शो हो, तो मैं इसको पहले पे ही करता हूँ। ठीक है, और एंड ऑफ वीडियो करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, वो एंड पर शो होगा। तो एंड पर तो आप कार्ड वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेटिंग हुई। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बेसिक पे चले जाना है, और बेसिक पे यानी पर जाने जाने के बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन पे क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में आपने लिखना है, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और जिसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखने के लिए प्रॉब्लम हो तो वो सिंपल गूगल पर जाए। गूगल ट्रांसलेट ओपन करे, यहाँ पर अगर उसको उर्दू भी नहीं लिखनी आ रही तो यहाँ पर माइक के ऑप्शन पर जाकर बोल कर उर्दू में लिखेगा, और उसको वो सारा उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो इंग्लिश में मिल जाएगा, और यहाँ से कॉपी करके वो वहाँ पे पेस्ट कर सकता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आ रही है या इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टाइप करके भी लिख सकता है और माइक से भी कर सकता है, उर्दू
टाइप करने में काफी प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर में, तो वो बोल कर भी कर सकता है। तो इस तरह आप जितनी भी चाहें इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो ये 1000 वर्ड्स की लिमिट होती है, कि आपने अपने बारे में लिखना होता है कि आप क्या हैं, आपके इस चैनल का क्या मोटिव है, कि आप इस चैनल में किस किस्म की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपका चैनल किन टॉपिक्स को कवर कर रहा है, मीन्स कि अपने बारे में आपने यहाँ पे अपनी चैनल डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है 1000 वर्ड्स की। 1000 वर्ड्स की लिमिट होती है, आप कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिख सकते 1000 से। तो यहाँ पे चैनल यूआरएल आ जाता है आपका, यहाँ पे लिंक्स आ जाते हैं। अब लिंक्स कौन से होते हैं, जो आपके फेसबुक का पेज है या आपके वेबसाइट है। आपने एक और चीज़ करनी है कि अपने जब आप चैनल स्टार्ट करें तो अपने चैनल का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये चीज़ें बिल्कुल अपने अकाउंट्स की लाजमी क्रिएट करें। ओके, तो यहाँ पर आपने उनके लिंक दे देने, ठीक है। इसी तरह आप ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड लिंक ऐड कर देना। तो यहाँ पे वो करें लिंक ऐड करें, ठीक है। आपका फेसबुक का लिंक है, कोई भी आप अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं, आप उनके लिंक्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो लिंक्स ऑन बैनर, यहाँ पे लिंक्स आपके शो होंगे आपके बैनर के ऊपर, आपके 5 अकाउंट है, जितने भी आपने अकाउंट वगैरह ऐड किए हैं तो वो शो होंगे। तो यहाँ पर ईमेल्स जो है वो ऐड लाजमी किया करें, ईमेल्स, क्योंकि जब आप यूट्यूबर बनते हैं, जब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो आपको काफ़ी प्रमोशंस, वीडियो वगैरह भी आती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी, जब आप ईमेल ही आपके चैनल पर नहीं होगी तो वो आपको कंटेंट नहीं कर सकते। तो ईमेल जो है आपने यहाँ पे अपनी लाजमी देनी है, ठीक है। आपने अपनी ईमेल वगैरह दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिंक्स वगैरह डाल देने, ठीक है। मैंने तो नहीं डाले, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने एक नया चैनल क्रिएट किया और इसके मैंने कोई भी पेजेस वगैरह नहीं बनाए। तो यहाँ पर आपने आने के बाद यहाँ पे इसको पब्लिश पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये तो थी थोड़ी मोर बेसिक सी सेटिंग जो आपको चैनल के लिए चैनल पे की थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन सेटिंग की तरफ, वो किस तरह करनी है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस तरह के इंटरफेस के बाद यहाँ पर आपको चैनल पर आना है, चैनल पर बेसिक इन्फो, यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप यहाँ पे अपने जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से हम पाकिस्तान इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स, तो बेसिकली लोग पूछते हैं कि चैनल की एसईओ कैसे की जाती है। तो एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी चैनल की सारी आपकी डिपेंड कर रही होती है कीवर्ड्स के ऊपर। तो आपके कीवर्ड्स जितने स्ट्रांग होंगे उतने ही अच्छी आपकी चैनल की एसईओ होगी, क्योंकि कीवर्ड्स ही होते हैं जो आपके चैनल को सर्च बार में लेकर आते हैं, सर्च इंजन में लेकर आते हैं। तो आपने कीवर्ड इस तरह के लगाने हैं, फॉर एग्जांपल अब मेरा चैनल, फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल चैनल बना रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कीवर्ड्स मेरे क्या होंगे, हाउ, ठीक है, इंटर किया तो आपका कीवर्ड ऐड हो जाएगा, हाउ टू, ये मेरे कीवर्ड्स होंगे। कोई भी, अच्छा, टेक वीडियोस, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल के हवाले से अपने कीवर्ड्स लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने चैनल का जो अभी अभी हमने अभी बनाया है, ठीक है, उसका लिख देते हैं, उसका भी नेम, ताकि मेरा चैनल जो है वो सर्च में आ जाए। जब लोग सर्च करें मेरे चैनल को तो मेरा चैनल जो है उनकी सर्च लिस्ट में आ जाए। तो उसके लिए हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं, और कीवर्ड्स पर ही आपकी सारी की सारी एसईओ डिपेंड कर रही होती है। तो ये आपने करने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने नो पे क्लिक करना है, चाहे आप वीडियो किड्स के लिए बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर आप ये नो यस पे करते हैं तो आपकी वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो वीडियोस हैं वो
नहीं ओपन होंगी, तो आप इसलिए नो पर ही इसको रखना है कि आप किड्स के लिए वीडियो नहीं क्रिएट कर रहे। उसके अलावा गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग, ये आपके अभी काम की चीज़ नहीं है, ये तब आपके लिए वर्क काम की चीज़ होगी जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा और आपके एड्स लगेंगे, ठीक है। ऑटो कैप्शन भी आपने ऑन नहीं करना, क्योंकि ऑटो कैप्शन के अंदर कई बार ये ऐसे अल्फाज अजीबो गरीब अल्फाज शो करवा देता है, तो इसको भी आपने इसको ऑन नहीं करना। नीचे आता है सब्सक्राइबर काउंट, मींस के आप अपने सब्सक्राइबर्स को या लोगों को अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स शो करवाना चाहते हो या नहीं चाहते। मतलब कि आपके अगर 500 सब्सक्राइबर्स हैं तो आप उनको शो करवाना चाह रहे हो या नहीं शो करवाना चाह रहे, तो या वो आपकी सेटिंग यहाँ से होगी। आप इसको अनटिक टिक करेंगे तो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो शो नहीं होंगे, ठीक है। आप इसको टिक कर देंगे वो शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, ये तो आपका बाद का काम है जब आपके अकाउंट हो, ठीक है। यहाँ पे मैनेज यूट्यूब अकाउंट और रिमूव यूट्यूब अकाउंट, ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं फ्यूचर एलिजिबिलिटी। तो मेन काम जो है, जब आपका लोग कह रहे होते हैं कि थंबनेल लगाना आ रहा, थंबनेल कितना लगते हैं, तो वो सारा काम आपका यहाँ पर है। आपका थंबनेल ही आपकी वीडियो का अट्रैक्टिव बनाता है। जब आपका थंबनेल ही नहीं होगा तो व्यूअर जो है आपकी वीडियो की तरफ किस तरह आएगा। तो यहाँ पर आप देखें, अब अगर मुझे एक काम करना है अभी यहाँ पर, अब एक काम क्या है कि मैंने अपना फोन वेरिफिकेशन करना है। जब मैं अपने फोन की वेरिफिकेशन करूंगा तो वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट से भी ऊपर की वीडियो मैं अपलोड कर सकूंगा, मेरे कस्टम थंबनेल लगेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग मैं कर सकूंगा और डिफरेंट और भी आईडी क्लेम्स वगैरह मैं कर सकूंगा। जब तक आप इसको फोन वेरिफिकेशन नहीं करते, आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते, ना तो आप 15 मिनट के ऊपर की वीडियो तो अपलोड कर सकेंगे, ना आप थंबनेल अपलोड कर सकेंगे, ना आप लाइव स्ट्रीम अप कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको एलिजिबल करना होगा। तो एलिजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई फोन नंबर, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट योर कंट्री, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना फोन नंबर लिख देना है, ठीक है, और इसको गेट कॉल पे क्लिक कर देना। तो गेट कॉल पे क्लिक करने के बाद आपके फोन पर एक कोड आएगा, जिस तरह हम कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं सेम एज इट इज, आपने वही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो वो कोड आएगा, तो उस कोड को आपने सिंपली यहाँ पर राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना। अब यहाँ पर आपके पास आ गया है फोन नंबर वेरीफाइड, मीन्स कि आपका फोन नंबर जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आपका फोन नंबर वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। जैसे ही आपका फोन वेरीफाइड हुआ, यहाँ पे आप देख लें अनेबल आ गया, ठीक है। अब मैं जो वो 15 मिनट के ऊपर की भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, मैं थंबनेल भी लगा सकता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, मैं आईडी क्लेम वगैरह भी सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको हम वापस आते हैं एडवांस सेटिंग पर, लेकिन उससे पहले इसके पर सेव कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो हम वापस आते हैं मैनेज यूट्यूब अकाउंट के ऊपर, इसके बारे में भी आपको गाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपको चेंज स्टेटस एंड फ्यूचर मिल जाते हैं, क्रिएट अ न्यू चैनल व्यू एडवांस सेटिंग, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एडवांस सेटिंग। तो यहाँ पर व्यू और चेंज योर अकाउंट वगैरह ये चीज़ आपको मिल जाती है, मेंबरशिप, ये अभी आपके काम की नहीं, जब आपका चैनल मोनिटाइज होगा तब ये आपके काम आएगी। रिमूव यूट्यूब कंटेंट, यहाँ से आप रिमूव वगैरह कर सकते हैं। चाहे जी आगे रहते हैं अपलोड डिफॉल्ट। अब यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे टाइटल आपने डिफॉल्ट पे नहीं रखना, बल्कि डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने डिफॉल्ट पे रख सकते हैं। मीन्स ये ऐसी डिस्क्रिप्शन जो आपने हर वीडियो के एंड पे लाजमी लगानी है, ईमेल वगैरह हो गया आपका जो भी, वो आप इसको यहाँ पे रख लें और इसको सेव कर लें, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली हर वीडियो जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लग जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी यहाँ पे टाइटल वो नहीं रखना, ठीक है। विजिबिलिटी पर आपने इसको पब्लिक रखना है, पब्लिक रख सकते हैं और अनलिस्ट भी रख सकते हैं, प्राइवेट आप ना रखें, ठीक है। और टैग में आपने वही टैग करने हैं जो आप हर वीडियोस के अंदर लाग में यूज़ करने होंगे आपको,
अपने चैनल के लिए, ठीक है। कुछ तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो तब आपको करने पड़ते हैं, कुछ आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो जिस तरह हमने पहले टैग लगाए थे 2-3, वही लगा लेते हैं जो कि हर वीडियोज में यूज होने वाले हैं। चैनल का नेम आ जाएगा और ये चीज, ठीक है, इसको आपने सेव करा। हम सेटिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अपलोड फॉर्म्स एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर ही रहने देंगे। यहाँ पर आपने अपना चैनल के हवाले से सेट कर लेना आपका चैनल कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं गेमिंग पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे लैंग्वेज जो है, वीडियो लैंग्वेज आपने लाजमी सेट करनी है उर्दू, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आपके व्यूवर्स आपके यूट्यूब आपके वीडियोस को, आपकी वीडियोस रिक्वायरमेंट को, चैनल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपके जो है व्यूवर्स को टारगेट करता है। यहाँ पे कैप्शन वगैरह तो नहीं रखने हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ये भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर उर्दू वगैरह जो भी आपने करना हो। कमेंट्स विजिबिलिटी, ठीक है, अलाउ ऑल कमेंट्स या डिसेबल कमेंट, जो भी आपने कमेंट्स के करनी है, विजिबिलिटी करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई वीडियोस के अंदर कमेंट्स ऑफ किए होते हैं, वो आपके यहाँ से सेटिंग होती है। अब यहाँ पे परमिशंस पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपने किसी को भी नहीं छेड़ना, ठीक है, सेस को। तो यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर आपको मॉडिएटर मिल जाते हैं, अगर आपने काम बिजी रहते हैं, आपको ऐसा चाहिए यूट्यूब आपका चैनल मैनेज करें, आपके कमेंट्स वगैरह रीड करें, तो आप उसको एज अ मॉडिएटर रख सकते हैं, ठीक है। मीटिंग, अगर मीटिंग खत्म हो जाए, लीव हो जाए, तो आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 3 मिनट रह गए मीटिंग के। अप्रूव्ड यूजर, यहाँ पे जिन यूजर को आपने अप्रूव किया होगा, वो हिडन यूजर्स उनको कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हेट करते हैं, हेट फैलाते हैं और गलत गलत कमेंट वगैरह करते हैं आपके वीडियोस के नीचे, तो आप यहाँ से हिडन यूजर यहाँ पे जाकर उनको हिडन कर सकते हैं। उसके बाद उनके कोई भी कमेंट्स आपको शो नहीं होंगे, उनके बाद उनको कोई भी आपके वीडियोस शो नहीं होगी। जो इस तरह के लोग होते हैं, आप उनको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी वीडियोस के नीचे लोग जो हेट इंक्रीज करते हैं और हेट स्पीच देते हैं, तो उनके लिए जो हेट वर्ड्स यूज करते हैं इस तरह के, तो उनके वर्ड्स को ब्लॉक करने के लिए आप यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं बुक लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बुक लफ्ज जो है, जो मैंने यहाँ पे राइट किया, अब ये क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। कोई भी बंदा मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के किसी भी कमेंट में बुक लिखेगा, तो वो शो ही नहीं हो गया, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी वर्ड को, जो वर्ड्स यहाँ पर आप लिखो, तो उसको आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक लिंक्स आप कर सकते हो, कि कोई भी लोग बंदा जो है आपके कमेंट सेक्शन में कोई भी लिंक शेयर ना करें, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। लो ऑल कमेंट्स वगैरह, ये एग्रीमेंट्स आ गए, तो एग्रीमेंट में कुछ नहीं, आपने इसको इस तरह सेव कर देना। तो यहाँ पर थी इसकी, ये थी इसकी सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आए इसका मोनेटाइजेशन पर, तो जहाँ पर आप कह लें कि पैसे आना शुरू होंगे, तो वो आपका ये सीन है कि जब आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी होगा। तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तो गूगल एडसन के जरिए एड्स लगेंगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको आपके चैनल का तमाम डाटा मिलेगा, ओवरव्यू 19 से 28 दिन का, या जितने भी आप करना चाह रहे हैं, वॉच टाइम, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, रीच में आपको मिलेगा, इन लोगों के लिए जो है यूनिक व्यूअर्स, सब चीज़ें आपको, ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आई आपको, व्हाट्सएप से ट्रैफिक आई आपको, अपने चैनल से ट्रैफिक आई आपको, किस कंट्री से ट्रैफिक आई, ट्रैफिक आने में मेल्स ज़्यादा थे या फीमेल्स ज़्यादा थी, ट्रैफिक में उनकी एज कितनी थी, 18 to 20 थे, 20 to 30 थे, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग, या आपकी ट्रैफिक जो थी वो, एंगेजमेंट्स वगैरह सब कुछ ऑडियंस के हवाले से आपको यहाँ पे मिलेगा, कि वो सब्सक्राइबर्स था, या यहाँ पे जो है एज एंड जेंडर जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, कि फीमेल थे या मेल्स थे, उनकी एज क्या थी, जो आपके व्यूअर था, और जियोग्राफिक्स में वो किस कंट्री से बिलोंग करता था, वॉच टाइम वगैरह,
कि वो सब्सक्राइबर्स था या नहीं था, कंप्लीट डिटेल्स आपको आपके चैनल की यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका चैनल किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसकी सेटिंग किस तरह करनी है, कंप्लीट ए टू जी ये चीज़ थी। अब आता है वीडियोस अपलोड करते वक्त वीडियोस की सेटिंग किस तरह की जाती है, वो भी सिंपल है, सेम एज इट इज, आपने यही फार्मूला लगाना है उसमें भी, कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें आपकी किस तरह आपने उसको लेकर चलना है, उसकी एसईओ किस तरह करनी है, उसके टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह लगानी है, सेम एज इट इज यही काम है। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो, फर्जी वीडियो भी अपलोड करके बता देता हूँ कि आपने अपलोड अपलोड किस तरह करनी है और उसकी एसईओ भी किस तरह करनी है। तो कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँ और उसके बाद। जी ओके, तो मैं बात कर रहा था कि हमने आपको यूट्यूब का बता दिया, यूट्यूब के चैनल का बता दिया किस तरह आपने उसकी सेटिंग करनी, किस तरह उसकी एसईओ करनी, किस तरह उसको आपने उसकी एडवांस वगैरह सेटिंग वगैरह करनी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको एक वीडियो भी अपलोड करके बता देता हूँ कि आपने वीडियो अपलोड करते वक्त क्या क्या सेटिंग्स करनी है, किस तरह उसके टैग्स लिखाने हैं, किस तरह उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, वो भी सेम एज इट इज यही काम है, कोई इससे डिफरेंट नहीं है। तो अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, तो चैट बॉक्स में मुझे बता दें अगर आप मतलब कुछ देखना चाह रहे हैं। चलें, आई होप कि आपको वीडियो अपलोड करनी आती है और उसकी सेटिंग वगैरह भी करनी आती है। चलें जी, बता चलें मैं बताता हूँ। आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी आपको। ओके, तो कोई भी एक रैंडम वीडियो लेते हैं। चलिए एक वीडियो पढ़िए पहले से। ओके, तो अब आपने क्या करना है, वीडियो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। आप गो लाइव पे जाएं तो आप लाइव भी जा सकते हैं, उसके लिए आपको चैनल आईडी वगैरह ठीक है वो लगानी पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। अपलोड वीडियो, ठीक है हम वीडियो को देखते हैं। तो जैसे ही आप अपलोड वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपने अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है जिसको आप अपलोड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक वीडियो पढ़िए तो उसको ले लेता हूँ, सेशन की पिछले की। तो ठीक है, इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है, जो भी आप टाइटल लिखना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने वीडियो अपलोड टाइटल वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वीडियो के हवाले से कि इस वीडियो में ये है वो भी आप लिख सकते हैं, लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा था अगर आपने चैनल के ना डिस्क्रिप्शन सेव की हुई है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाएगा नीचे थंबनेल लगाने का, कि आपने थंबनेल लगाना है। अगर आपने वेरीफाई ना किया तो यहाँ पे आपको थंबनेल का ऑप्शन नहीं मिलना था, और 15 मिनट के ऊपर की वीडियो अपलोड भी नहीं होनी थी। तो यहाँ पे अपलोड थंबनेल पे जाता हूँ। जाने के बाद आपने यहाँ पर अपना थंबनेल जो है वो सेट करना है। तो मैं देखता हूँ अगर पड़ा हुआ तो। आई थिंक पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक थंबनेल पड़ा था जिसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जो कि मैंने पिक्स आर्ट्स में क्रिएट किया था, आप वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आप आना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर तो आपने प्लेलिस्ट बनाई हुई है या तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट शो हो जाएंगे। अगर आपने नहीं बनाई तो यहाँ पे क्रिएट प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट का नाम रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आर एस सी रख लेता हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट का नाम रखना है, यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी कर लेनी है पब्लिक, और यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे आपकी एक प्ले लिस्ट बन गई है। यहाँ पे आप न्यू प्ले लिस्ट भी बना सकते हैं, और
आपने अगर इस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो ऐड करनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे ऑडियंस पे आपने नो ही रहने देना है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है। यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करना है, शो मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने पेड प्रमोशन वगैरह को किसी को भी नहीं टैग, और यहाँ पे आपने टैग, अब यहाँ पे देखें तीन टैग जो हमने पहले लगाए थे चैनल की डिस्क्रिप्शन में, सॉरी चैनल की टैग लिस्ट में, वही यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। तो ये जो तीन टैग्स है ये हमारे हर चैनल के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल जो हमने वीडियो अपलोड की है वो एक्सेल के हवाले से है, तो नहीं फाइवर के हवाले से, तो हम उसको फाइवर के टैग्स लगाएंगे। इस तरह आपने अपनी वीडियोस के हवाले से, जिस तरह मैं अभी टैग्स लगा रहा हूँ, इस तरह आपने अपनी वीडियोस के टैग्स लगाने हैं, ठीक है। ये टैग्स आपके क्या होते हैं, ये आपके कीवर्ड्स होते हैं कि कोई भी अगर सर्च में ये कीवर्ड्स सर्च करें तो उसको आपकी वीडियो नजर आए, ठीक है। तो ये आपके एसईओ का बहुत ही मेन पार्ट होता है। यहाँ पे आपने काफी ज्यादा लगा लेने हैं, ठीक है, 500 वर्ड्स तक आप इसको लगा सकते हैं, तो 57 वर्ड्स के लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने उसी सेटिंग को रहने देना जो हमने पहले की थी अपने चैनल क्रिएट करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कर देना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आ जाता है ऐड सबटाइटल्स, अगर आपने सबटाइटल ऐड करने हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और नीचे आ जाता है आपके पास दो ऑप्शंस, एक ऐड एंड स्क्रीन का और ऐड पार्ट्स का। आपने कई वीडियो देखी होंगी तो वीडियो जब एंड होती है, जब 10 सेकंड की रह जाती है, तब आपको काफ़ी वीडियो शो हो जाती है चैनल के हवाले से, तो वो बेसिकली ये एंड स्क्रीन होता है। तो हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं किस तरह ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड पे आपने क्लिक करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि एक वीडियो और एक सब्सक्राइबर्स का मेरे पास आया, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियोस मैंने अपने यहाँ पे की मोस्ट रिसेंटली या बेस्ट फॉर व्यूवर, जो भी आप करना चाहें, जो भी आपकी वीडियो को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का लगा दिया, ठीक है, जब आपकी वीडियोस, और यहाँ पे आ रहा है कि कितने सेकंड पे आपकी ये शो होगा, ठीक है। एंड पे जब आप देखें तो इसको इस तरह ऐड कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और ऐड कार्ड, ऐड कार्ड्स का जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो ऊपर एक आइकन आता है आई के हवाले से, तो कार्ड्स का आता, तो वो एक पट्टी से चलती है जिसमें हम डिफरेंट वीडियोस वगैरह आपको शो हो रही होती है। ये बेसिकली वही है, अगर आप वीडियो ऐड करना चाहें वीडियो पे ऐड क्लिक करेंगे, अभी तो मेरे पास यहाँ पे इस चैनल कोई वीडियो नहीं पड़ी, तो आप इसको सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा कार्ड्स। तो नेक्स्ट आते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है, सॉरी चेक्स पे आते हैं। तो चेक पे क्या है, यूट्यूब ने अपनी जब पॉलिसी चेंज की, उसने एक पॉलिसी में बहुत ही अच्छा चेंज किया कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले चेक करता है कॉपीराइट तो नहीं, ये चीज़ें सारी ए टू जेड चेक करता है, ठीक है। अब उसने चेक किया हमारी वीडियो को, मेरी अपनी वीडियो क्रिएट की हुई थी, मेरी अपनी वॉइस थी, उसने सब कुछ चेक किया, कोई लोगो वगैरह नहीं था, चोरी किया हुआ लोगो, या कोई कॉपीराइट नहीं था, कोई पैटर्न इशू नहीं था, तो यहाँ पे उसने लिख दिया नो इशू फाउंड, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यूट्यूब की तरफ से, अगर आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट मसला होगा, कोई लोगो वगैरह इस तरह का, तो यहाँ पे आपको वो एरर दे जाएगा, आपकी वीडियो अपलोड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करें, यहाँ पे पब्लिक पे ही आने दें, और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दें। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। शेयर आर लिंक, तो यहाँ पे आप अपने डायरेक्टली डायरेक्ट लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पर, और अपने लिंक तो यहाँ पे कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहें वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंटेंट पर जाऊँ तो यहाँ पे अभी हमारी वीडियो शो हो रही है जो हमने अभी अभी अपलोड की है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ व्यू ऑन यूट्यूब, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो यूट्यूब पर किस तरह शो होगी, तो आपके सामने है कि हमारी जो वीडियो है वो इस तरह शो होगी, ठीक है। ये देखें जो अभी हमने वीडियो अपलोड की है वो आपको शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, अपनी वीडियो को एसईओ वगैरह उसकी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे कीवर्ड्स लगाए हैं, आपकी तमाम एसईओ आपके कीवर्ड्स पे डिपेंड कर रही होती है। ओके, तो जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो
प्लीज पूछ ले। और ये इंशाल्लाह आपको जिन लोगों ने अटेंड नहीं कर सके तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा आज की तमाम रिकॉर्डिंग का। जी।